हमारा जी आ, कश्मीरी राइटर्स कॉन्क्लेव हैशानी साहब बैठे हैं विद्या भूषण धर बैठे हैं तो बातचीत अगर हम चाहें तो घंटों खेच सकते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत कर सकते हैं कश्मीर के इशू पे हमारे यहाँ पे बहुत ही मोहतरम प्रोफेसर इश्तियाक साहब बैठे हुए हैं जो कोई भी साउथ एशिया का मसला हो अथॉरिटी है आज हमारे लिए ऑनर की बात है कि हमारे जो है ना उधर पार्टिसिपेंट्स के तौर पर बैठे हुए हैं यानी हमारी बातें सुनेंगे हम इनको सुनते हैं इनको सुनना चाहिए लेकिन प्रोफेसर हम आपसे जो कमेंट्री करेंगे आप बिल्कुल फ्री टू कमेंट बिकॉज फ्री टू करेक्ट अस क्योंकि आपने जिस तरह हिस्ट्री की किताबें लिखी हैं विद्या पोइट्री करते हैं फिक्शन लिखते हैं और लिटरेरी राइटर हैं बशानी साहब फिक्शन लिखते हैं बहुत आ, इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी इसके साथ साथ अभी जो इनकी किताब आई जो पोलिटिकल एनालिसिस है वो वो बहुत ज़बरदस्त है बशानी साहब की भी बातें सुनते हैं लेकिन मैं विदिया आपसे शुरू करता हूँ आप किस बात से शुरू करना चाहेंगे साहब सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज फिर एक बार ये ये प्लेटफॉर्म देने का कश्मीर की कहानी बहुत सालों तक परतों में छुपी रही फेस्टेड फोर्सेस थे पॉलिटिकल सेटअप्स थे एक नैरेटिव बिल्डअप था एक सिस्टम था जिसकी वजह से हमारी त्रासदी की कहानी हमारी एक्जोडस की कहानी हमारे जेनोसाइड की कहानी मानस तक नहीं पहुंची आम हिंदुस्तानी तक नहीं पहुंची। दिल्ली से बाहर अगर हम जाते थे मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या कहीं पे हमारी कहानी के बारे में किसी को पता नहीं था तो करते करते मैंने भी देश बदले मैं पहले सऊदी अरबिया चला गया उसके बाद मैं कनाडा आया और यहाँ पे मुझे ताहिर भाई ने एक प्लेटफॉर्म दिया और आपको जान के हैरानी होगी कि, कि कश्मीर का जो दो 2012 में इंडिया में शुरू हुआ जब से टी डिबेट शुरू हुए ताहिर भाई ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दो में दिया तो हमारी कहानी का वो जो पहलू जो आपने कश्मीर फाइल्स में अल्टीमेटली देखा सब ने वो मैं बयां कर पाया तहिर भाई के प्रोग्राम बिला तकलुफ में तो मैं सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया करता हूँ तहर भाई कि आपने हमें और कंटिन्यूसली आपने हमें वो प्लेटफॉर्म दिया जिससे आज कम से कम काफ़ी लोगों को कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ उसके बारे में सबको पता चला यहाँ बैठे सभी लोगों को मैं ये बता दूँ कि जेनोसाइड हम सुनते हैं वी टॉक अबाउट द जेनोसाइड ऑफ जीव वी टॉक अपट जेनोसाइड ऑफ रोडन रिफ्यूजीज वी टॉक अपट जनोसाइड ऑफ रोहिंग्यास बट कश्मीरी हिंदुओं का पलायन या उनका जनोसाइड के बारे में बहुत कम लोगों को पता है इट इज़ द ओनली हिस्टोरिकली कंटिन्यूड जेनोसाइड बाकी जगह जनोसाइड एक बार ही हुआ और लोग आगे बढ़े बट जो हमारे साथ हुआ वो पिछले छः सौ सालों से कंटिन्यू जनोसाइड है इतिहास गवाह है कि उन्नीस सौ नब्बे का जो हमारा जनोसाइड हुआ वो हमारा सातवाँ पलायन था पीपल डो नो अवार थर्टीन एटी नाइन में जो पहला पलायन हुआ उसमें कश्मीरी पंडितों की जो संख्या घाटी में रह गई थी वो 11 घरों की रह गई थी तो जो आज की जो प्रोजिनी है कश्मीरी पंडितों की वो उन्हीं ग्यारह घरों की पैदाइश है और उन्नीस में वो कहानी फिर दोहराई गई हमें दो तीन ऑप्शन दिए गए रेलिव सच मीन या तो आप मुसलमान हो जाओ या यहां से भाग जाओ न तो मारी जाओ और हमें कहा गया कि यहाँ अपनी बहु बेटियों को छोड़ के चले जाओ और यहां बनेगा पाकिस्तान तो ये तो आपने जो कश्मीर फाइल्स में देखा वो तो बहुत ही जर्रा बर था टिप ऑफ आइसबर्ग मे बी ट्वेंटी साहब आपने किताब लिखी कश्मीर पाकिस्तानी सफारतकारी की नकाम दास्तान जिसमें आपने कहा कि ये जो यूएन रेजोल्यूशन की बात पाकिस्तान की सरकारें करती हैं वो नॉन बाइंडिंग है उसकी कोई हैसियत नहीं है ये एक एक जैसे होता है इवन नॉट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से भी छोटी चीज़ है मगर उस पर ही रिलाय करते चले जा रहे हैं मैं बहनों भाइयों आपको बताऊं ये सेशन नॉन फिक्शन का है हमारा ज़्यादा बिकॉज़ ये मसला भी जो है चूँकि कश्मीरी कॉन्क्लेव हम खुल के बात करेंगे तो साहब अपनी उस किताब के हवाले से और जो विद्या ने कहा आप उस हवाले से एक्सीडेंस 1990 के हवाले से बताइए थैंक यू जनाब बड़ा ये एक ट्रेजिक किस्म का चैप्टर है कश्मीर की हिस्ट्री का जो विदिया ने अभी बयान किया है और इस पे रिपीटेडली गुज्त 20 सालों में हमने कोई हज़ारों दफ़ा इसको रिपीट किया और हर दफ़ा जब हम रिपीट करते हैं तो लगता है कि ये एक नई नया इंसिडेंट है और उसका जो दर्द है उसके पीछे जो मैसेज है वो हमेशा जो है वो उसी तरह तरोताज़ा लगता है तो इस पे मैं बात करूंगा लेकिन पहले जो बात ताहिर साहब ने की मेरी बुक के हवाले से जो उर्दू में है नाकाम स्वार्थकारी की दास्तान नाकाम दास्तान मसला है कश्मीर स्वार्थकारी की नाकाम दास्तान अनटोल्ड स्टोरी ऑफ फेल डिप्लोमेसी तो वो इन्होंने रेफरेंस जो दिया यू एन रेजोल्यूशन के हवाले से तो एक तो इन्होंने ये कहा कि ये बाइंडिंग नहीं है चैप्टर सिक्स अब ये चैप्टरों का जो चक्कर है उसमें आम आदमी को डालने से बचाने के लिए ये है कि दो तरीक़े हैं यूनाइटेड नेशन में कारदादा के एक जो है वो पास होती है एक ऐसे कानून के तहत जिसमें वो बाइंडिंग होती है और आप उसके लिए फोर्स यूज़ कर सकते हैं या दूसरे जो मेजर्स हैं फॉर एग्जांपल आप उन पे सेंक्शन लगा सकते हैं उनको मजबूर कर सकते हैं उस मुल्क को कि वो उसको ओबे करे और दूसरी वो होती हैं जिसमें आप सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते हैं और आप इवन जजमेंट भी नहीं दे सकते कि ये जो इंसिडेंट है इसमें यूएन का अपनी स्टैंडिंग क्या है इसको चैप्टर सिक्स कहते हैं तो चैप्टर सिक्स के तहत ये रेजोल्यूशन जो है वो यूनाइटेड नेशन में पास हुई हैं जिसका मतलब ये है कि ये रिकमेंडेशनस हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए और इसका मतलब यह है कि दोनों मुल्कों का इस पर रजामंद होना ज़रूरी है अगर एक भी कहे कि नहीं जी हम ये नहीं मानते या हमें मंजूर नहीं है तो कोई यूनाइटेड नेशन उनको ये नहीं कह सकती कि जी आप क्यों नहीं मंजूर करते चूँकि उसका मनशा ही है कि हम रिकमेंड करते हैं आगे आपकी मर्जी की आप माने या ना माने ये सबसे बड़ा जो सवाल है जो इन्होंने उठाया कि अगर पाकिस्तान जो है वो 76 सिक्स ईयर से उन रेजोल्यूशन को ही अपना ओढ़ना और बछूना बना रहा है तो दूसरी तरफ इंडिया को ये इख्तियार है कि वो सिर्फ हाथ उठा के कह दे कि नो नो वी डोंट एग्री विद दिस तो वो रेजोल्यूशन वहीं ख़त्म हो जाती है अगर कोई है एक पहलू उसका ये है लेकिन इससे भी बड़ा पहलू है कि रेजोल्यूशन ही कोई नहीं है कोई आउटस्टैंडिंग रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन के रैकड पे नहीं है और ये मुमकिन है यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक इंकशाफ हो कि ये आदमी क्या कह रहा है जी रेजोल्यूशन ही नहीं है पूरी दुनिया में शोर पड़ा हुआ रेजोल्यूशन मैं कह रहा हूँ कि आउटस्टैंडिंग कोई ऐसी रेजोल्यूशन नहीं है जिसपे अमल होना बाकी है यूनाइट नेशन में जो सिक्सटीन सेवनटीन रेजोल्यूशन पास हुई हैं इंडिया पाकिस्तान के इशू को लेके वो सब अपने लॉजिकल कंक्लूजन को पहुँची हैं और उसके बाद वो बंद हुई तो एक फॉर एग्जांपल पहली रेजोल्यूशन ये कि जी इंडिया और पाकिस्तान जो है वो हालात को मज़ीद ख़राब होने से बचाएं तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने तस्लीम कर लिया कि यस हम इसको हालात को ख़राब होने से बचाएंगे और उसके बाद मुमकिन है उन्होंने कोशिश भी की हो लेकिन ये रेजोल्यूशन वहीं पर ख़त्म हो गई इसका आगे कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है कि आज जाके कोई इंडिया और पाकिस्तान को कहे कि जी आप हालात ख़राब होने से बचाएँ चूंकि आगे पर दूसरी रेजोल्यूशन आ गई कुछ अरसे बाद जो ख़ुद पाकिस्तान ने पेश की या चाइना ने पेश की या दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उस वक्त पाकिस्तान के बीआ पे पेश की और उसमें मस एक दूसरी करारदाद है कि पाकिस्तान से कहा गया कि आप जो है वो अपनी सारी फौजें जो हैं वो कश्मीर से निकालें पहली रिक्वायरमेंट के तौर पे चूंकि दरख्वास्त जो है वो इंडिया ने दी थी एज एप्लीकेंट तो उसमें फिर जो है वो पाकिस्तान से कहा गया कि आप निकालें फौजें और उसके बाद हम जा कर रिपोर्ट करेंगे इंडिया को तो इंडिया भी फौजें निकालेगा तो पाकिस्तान ने वो फौजें नहीं निकाली इंडिया ने भी नहीं निकाली लेकिन दोनों ने एक तीसरा रास्ता जो है वो जो सालसी का रास्ता था वो तस्लीम कर लिया कि अगर कमीशन हमारे दरमियान सालसी कराता है तो हम तैयार हैं लेकिन ये करारदातें हम नहीं मानते अब जो करारदादा दोनों मुल्कों ने कह दिया कि हम नहीं मानते उसके बाद क्या उस बेस पे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई किसी तीसरे मुल्क ने कोई एप्लीकेशन दी कि भाई ये नहीं मानते तो ये करें या क्यों नहीं मानते चूँकि उन करारदादों का मकसद ही इतना था कि आप एक रिकमेंडेशन दें जो दे दी गई तो उस रिकमेंडेशन के बाद देर इज़ नथिंग आउटस्टैंडिंग जो जाके यूनाइटेड नेशन इंडिया या पाकिस्तान को बताए तो ये नुकता लोग समझते नहीं और मैं जब पहली दफ़ा हाई स्कूल में था सेकेंडरी स्कूल में बैक होम तो मैंने ये पढ़ना शुरू किया तो आई वॉज़ रियली शार्क्ड क्योंकि हमें छठी से लेके ये क्रारदादों पे बात होनी शुरू हो जाती है लेकिन छठी में मैं इस तरह क्रिटिकली सोच नहीं रहा था तो जाके जब सेकेंडरी स्कूल में तो मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आप अंदा लगाए आम टॉकिंग अबाउट ए चाइल्ड तो ये कह रहे हैं जी हमें करारदा के मुताबिक मसलाए कश्मीर हल करके दें यू एन की करारदादू पर अमल करें जबकि दूसरी तरफ दुनिया में इस वक्त कम अज़ कम पचास करारदादें ऐसी हैं जो चैप्टर सेवन के तहत जो मैंडेटोरी है उसके तहत पास हुई हैं और स्टिल आउटस्टैंडिंग है उसमें मस तुर्की की साइप्रस के झगड़े पर कम अज़ कम सत्रह रेजोल्यूशन ऐसी हैं जो कि यू एन ने पास की कि आप ये माने नहीं मानते तो हम आपके ख़िलाफ़ फौजकशी कर सकते हैं आपको जो है वो सेंकशन लगा सकते हैं तो इस तरह बेशुमार जिन सब की मिसाल देना गैर ज़रूरी है उसमें इसराइल भी शामिल है बहुत सारे मुल्क शामिल हैं जिनकी मैंडेटोरी और बड़ी मशहूर करारदादा हैं उन पे अमल नहीं हुआ तो इस हिसाब से ये जो मेरी बुक में एक पूरा चैप्टर यू एन पे है और उस पर अगर मैं बात करूँ और उसको मज़ीद अगर ब्रेक डाउन करूँ मैं तो लोगों को बड़ी हैरत होती है चूँकि मुझे खुद हैरत हुई थी जब पहली दफ़ा मैंने ये जो है फ़ाइंड आउट करना शुरू किया कि ये कितना बड़ा फ्राड हो रहा है पाकिस्तान के अवाम के साथ कि उनके टैक्स पेयर्स के बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के नाम पे एम्बसियों में और इंटरनेशनली खर्चों पे और जुलूसों पे और रैलियों में सर्फ किए जाते हैं और कहा यह जाता है कि यू एन रेजोल्यूशन पर अमल कराएं जो कि है ही नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसका कोई वजूद ही नहीं एक बात ये हो गई तो मेरे ख़्याल में रेजोल्यूशन के हवाले से ये काफ़ी है हालांकि अभी बहुत सारा जी तो इनके हवाले से जो बात हो रही थी जो हमारे पंडित दोस्त हैं आ, इस हवाले से जो हमने विटनेस किया नॉट पर्सनली माई सेल्फ चूँकि मेरी इतनी उम्र नहीं है लेकिन मेरे जो दादी दादा हैं या उस जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जो कुछ जो है हमारे इलाके में जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं और आप लोग उसको पीओके या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं उस इलाके में जो हिंदू कम्युनिटी थी उनके साथ जो कुछ सलूक हुआ वो किस तरह का था आ, ये तो श्रीनगर का वाक्य जो है ये तो चार पांच दफ़ा जो रिपीट हुआ जम्मू कश्मीर में ये तो सबको पता है और जाहिर है ये चूँकि रिपोर्ट हुआ मीडिया के दौर में हुआ लेकिन जो नाइनटीन में जो कुछ हुआ उससे बहुत कम लोग वाकफ़ हैं जो हमने कहानियाँ सुनी हैं जो कभी किसी रिटर्न फॉर्म में मैंने नहीं देखी एटलीस्ट बॉर्डर के इस तरफ जिधर हम रहते हैं तो वो हमारे लिए वो भी एक शॉकिंग किस्म की बात इसलिए थी कि हमें जो बताया जा रहा था कि ये हमारे अपने लोग थे जाहिर है कि जो लोग मुझे बता रहे थे वो मेरे रिलेशन के लोग जो बुज़ुर्ग हैं लेकिन उनके नज़दीक ये अपने लोग थे जिनको घेर के कश्मीर के मुख्तफ़ स्पाट्स पे और वो स्पाट्स आज भी मौजूद हैं मुख्तलिफ छोटे छोटे जो है घरों में बंद करके तो उनको आग लगाई गई या उनको गोलियां मारी गई और उनमें ऐसे लोग भी थे जिन्होंने वो जो आग जल रही थी उस पर खड़े होकर कलमा पड़ा कि हम मुसलमान होते हैं आप हमें जो है ये हमारे साथ ये सलूक ना करें उनमें एक हमारे गांव के और मेरा गांव बंजोसा है बी यू एन जे ओ एस ए जो कि वहाँ की टॉप नंबर वन जो है वो टूरिस्ट प्लेस है खूबसूरती के हवाले से लेकिन उस खूबसूरती के पीछे जुल्म और तशद की कितनी दास्तानें हैं इसका जो है वो लोगों को पता नहीं तो उस गांव का जो वायद टीचर था जो वहाँ पे पढ़ाते थे वो ब्राह्मण थे ब्राह्मण हम कहते थे वहाँ पे जो हिंदू हैं उनको या हम ब्राह्मण कहते थे या पंडित कहते थे हिंदू का लफ्ज़ हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होता था या बहुत कम होता था तो वो जो है वायद टीचर थे जिन्होंने कहा कि मैं कलमा पढ़ता हूँ तो मैंने इस गांव की कई जनरेशंस को पढ़ाया है तो मैं ना मरना चाहता हूँ ना यहाँ से जाना चाहता हूँ लेकिन उन्होंने उसको भी जो है वो माफ़ नहीं किया जो ब्रूटेलिटी और जो बेरहमी की एक वेव थी वो खैर उसका आप लोगों ने भी डेफ़िनेटली इंडियन सब कॉन्टीनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो देखा होगा तो इसको मैं सम इस तरह करता हूँ कि ये सारा मामला जो है वो जाके रुकता है एक लफ्स पे कश्मीर क्या जी कश्मीर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है अमन के रास्ते में एक बहुत बड़े पहाड़ के तौर पे खड़ा है और जब तक इसको ना हटाया जाए कुछ नहीं हो सकता मुझे इससे इख्तलाफ है मैं इस मामले में पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस बात से इतफाक करता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मसला जो है वो मसला है कश्मीर नहीं बल्कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मसलों की वजह से मसला है कश्मीर खड़ा हुआ है यानी वो एक रिफ्लेक्शन है ऑफ़ दी प्रॉब्लम्स जो कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हैं जो नफरत है जो मिसट्रस्ट है उन चीज़ों की वजह से उन्होंने एक मसला खड़ा कर दिया और उसके पीछे मैंने आपको मसाल दी कि कितना है मसला है कि क्रारदादों की मैंने आपको मसाल दी कि एक चीज़ उन्होंने पकड़ी हुई है नो इंगली आर मे बी दे डोंट नो बिकॉज दे डोंट केयर कि ये वाकया ही हमारा जो इशू है ये गलत है या सही है चूँकि दे डोंट केयर तो इस हिसाब से मैं नहीं समझता कि ये बात है मैं समझता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक नफ़रत है जिसकी जड़ें जो है वो पार्टीशन के साथ जुड़ती हैं टू नेशन थ्योरी के साथ जुड़ती हैं और उस टू नेशन थ्यूरी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिस तरह के इकदाम हुए जिसकी एक मिसाल मैंने आपको दी कि हमारे गांव में हमारे ही पंडित भाइयों के साथ ए, क्या सलूक हुआ ये सारी चीज़ें जब एक्सचेंज हुई तो नफ़रत का एक तूफ़ान खड़ा हुआ जिसके नतीजे में मसला कश्मीर बन गया वरना आप देखें सगीर में जहाँ पे ए, इतनी बड़ी पापुलेशन 1.4 बिलियन इंडिया में है वो ट्वेंटी करोड़ जो है वो पाकिस्तान में है तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए दो करोड़ कश्मीरी जो दोनों तरफ मिला के इधर हमारी तरफ तो जो है फोर मिलियन एक तरफ है और ट्वेंटी जो है वो टू मिलियन गलगित बल्तिस्तान में तो बाकी पापुलेशन इस पापुलेशन ने पूरा जो ये वन पॉइंट एट बिलियन पॉपुलेशन है उसको यगमाल बनाया हुआ है जी कि ये जी मसला हल होगा तो हम लोग अमन की रास्ते पे या हम दोस्ती के रास्ते पे या किसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं तो इस हवाले से मेरी ये ओपिनियन है कि हमें शुरू कहाँ से करना पड़ेगा अमन के नाम पे जो करनी हैं उनको मसला कश्मीर के होते हुए इन स्पाइट ऑफ कश्मीर इशू जो है वो उठाना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि अमन किसी चीज़ के साथ मशरूत नहीं है अनकंडीशनल पीस जो है बैलेंस ऑफ टेरर नहीं जो हम बार बार कायम करते हैं बल्कि अनकंडीशनल पीस उसका जो है वो होना जो ज़रूरी है तो मेरे ख्याल में मैं मैं, मैं बशाली साहब से काफ़ी मुतमिन हूँ काफ़ी सारी बातों में बट जो लास्ट वाला जो स्टैंड है इन्होंने कहा कि मसलों की वजह से कश्मीर मसला हुआ पिछले पचहत्तर सालों में पाकिस्तानी हुक्मरान जो आर्मी है बेसिकली जनरली एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि एवरी कंट्री एज अ आर्मी बट पाकिस्तान इज ऑनली कंट्री आर्मी विद अ कंट्री तो उन्होंने बेसिकली कश्मीर को एक दुकान बना रखा है कश्मीर के नाम का झुंझुना जुन बजा बजा के पचहत्तर सालों से उन्होंने जो तो अपने वो लफ्स यूज़ इस्तेमाल किया है और यमाल बना रखा है वो बेसिकली एक एक दुकान खोल रखी है और कश्मीर के नाम पे वो पैसे भी उठा रहे हैं लोगों की सेंटिमेंट के साथ खेल भी रहे हैं और अपनी दुकानें भी चला रहे हैं तो जब तक उस चीज़ का मसला वो हल नहीं होगा जब तक एक लीडरशिप एक क़्यादत नहीं उठेगी पाकिस्तान से और लोगों को ये समझ आएगा कि पीस प्रोसेस के बिना ये मसला हल नहीं होगा और कैसे उनको पचहत्तर साल से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जब तक वो चीजें नहीं होंगी लोगों के मानस पे तब तक इस मसले का हल नहीं होने वाला अच्छा मैं आप चाहता हूँ कि हम इस डिस्कशन को इंटरेक्ट इंटरेक्शन uh, के जरिए जरा आगे लेके चलें जी। मैं एक अनोखा काम करने लगा हूँ मैं प्रोफेसर इश्तिया साहब से रिक्वेस्ट करने लगा हूँ कि वो आप हमारे साथ स्टेज पे आ जाए प्रोफेसर की बातचीत जो इन आपने इन दोनों की सुनी सर उससे पहले विद्या आपसे मैं चाहूंगा कि एक पोम जो है ये एक नज्म जो है जो कश्मीर एक्सीडर्स के वो हमें जरा सुनाइए आप जो कश्मीर का जो हमारा फैब्रिक था बेसिकली वो सूफियाना था बहुत इसके मैं एक चंद आपको एग्जांपल्स देता हूँ कि बजाब बेसिकली बाय नेचर एक कश्मीरी चाहे वो मुसलमान है या वो कोई हिंदू है या कोई सिख है या बौद्ध है या पारसी है जो कश्मीर में रह रहे थे आप, बहुसंख्यक तो मुसलमान थे हम लोग अमन पसंद लोग थे तो उसे उसका एक एग्जाम्पल था कि जब मकबूल भट्ट ने जे के की स्थापना करी तो एक जोक था वादी में कि उन्होंने एक कश्मीरी मुसलमान को एक बम पकड़ा दिया कि फोड़ के आने के लिए बोला तो बे बींग काइंड हार्टेड पर्सन दैट कश्मीरी मुस्लिम पासिटिट अनदर मुस्लिम एंड पासिव अनदर मुस्लिम एक साल के बाद जब भट्ट साहब वापस आए तो उनको बम पकड़ा दिया वापस कि हमसे नहीं होगा तो इस टाइप का शीर शक्कर वाला माहौल था हमारे यहाँ पे जो बेसिकली आलूदा हुआ पॉइजनस हुआ 88, 89 के टाइम में जब फारुख साहब की सरकार गिरी और ये सब वाक़ हुए तो उस दौर में मैं ये बता दूं कि इतना पॉइजनस विद इन कपल ऑफ ईयर्स हुआ और हमें निकालने वाले पाकिस्तान से नहीं आए थे या कोई मर्सरी नहीं थे जो इराक से या कहीं से आए थे हमें निकालने वाले हमारे अपने पड़ोसी थे जिनके साथ हमने बचपन भी गुजारा जिनके साथ स्कूल कॉलेज गए यूनिवर्सिटीज गए जिनके साथ क्रिकेट खेला जिनके साथ हमने हिंदी फिल्में देखी मतलब पूरा अपना बचपन गुजार दिया वो ही जो लोग थे एकदम से उनके मन बदल गए एक वो रेडिकलिज्म इतना क्रिएट हुआ कि एकदम से जो दोस्त यार थे वो एकदम से काफिर बन गए तो जो कल्बिनेशन हुई हमारे एग्जोडस की हमारे जेनोसाइड की वो थी उन्नीस जनवरी की आप किसी भी कश्मीरी हिंदू से पूछे उन्नीस जनवरी की बात तो उस शहर जाता है और सबसे बड़ी त्रासदी की बात यह है कि उसमें से कुछ ऐसी फैमिलीज थी जो पाकिस्तान से पलायन करके आई थी तो उनकी एक लाइफ टाइम में दो एक्सोड हुए तो जो मेरी कविता है वो 19 जनवरी पे है इसका मैंने कोई शीर्षक नहीं दिया है इसका कोई शीर्षक है ही नहीं उस भयानक रात को मैं शामिल था उन हजारों विचलित आत्माओं में जिन्हें घर से बेघर करने का मनसूबा बना था सरहद पार धड़कती आग से उस दौस भरे माहौल में मैं शामिल था एक नहीं कई बार आज चौंतीस साल बाद भी जब याद आती है बाइग्रस बहन की आवाज़ तो निंदायासा समय समझ नहीं सका क्या है उसके बयकर राज तब उसने खिड़की की जिर्री से मुझे करकश आवाज़ें सुनाई हजारों लाउड स्पीकरों से जो आ रही थी सुजाई वो लगे थे मंदिरों मस्जिदों की मीनारों से एक नहीं हज़ारों में वो गरज रहे थे बस चिल्ला रहे थे पुकार रहे थे दीन वालों घरों से निकलो सड़क पर जिहाद का वक्त है मत वालों, बाहर करो इन काफिरों को कि यहां बनेगा पाकिस्तान पंडितों के बिना उनकी बहू बेटियों के साथ हम रहेंगे सीना तान मैंने अपने आ, कानों में उंगलियां ठूस ली उन आवाजों से बचने मैं कांप रहा था सारा अस्तित्व मेरा वजूद लगा था धार्मिक कट्टरपंथी का वो वैश्य नाग ये नाग लगा था मुझे डसने उस विशर ने ऐसा फन फैलाया भयानक रात वो लंबी कि घर से बेघर हो गए मेरे दर्व सवा लंबी कहते हैं उस रात का काला साया अभी भी विचरता है सुनी वादी में ढूंढता है उन उनको जिनका हाथ था इस बर्बादी में उस रात की करकश आवाजें आज भी वो कह के है गूंजते हैं हर दिशा में काली काले माली कट्टरवाद का नाग आज भी जिंदा है हर बोर हर निशा में सर माइक लीजिए प्रोफेसर इश्तियाक साहब ने बातें सुनी और इन्होंने इन इश्यूज़ पे हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में बहुत नॉन बाइस के बहुत कुछ लिखा है इनकी हम बातें सुनेंगे फिर मेरी ख्वाहिश होगी कि फ्लोर में बैठे हुए दोस्तों के सवाल आए इन तीनों हस्तियों की तरफ जी प्रोफेसर साहब बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर भाई आपने मुझे भी बुला लिया वैसे विद्या भाई की बातें और आ, भशानी साहब की पूरी डिटेल्ड ये यूएन रेजोल्यूशंस की बैकग्राउंड बताने के बाद तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी नई बात मेरे पास करने को नहीं है क्योंकि बोथ हैव स्पोकन द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड वन कान ये भी ये भी वैलिडिटी चाहिए थी जी, जी जी एब्सोल्यूट ट्रूथ थोड़ा सा बैकग्राउंड और बता दूँ कि सबसे पहले हमला पुंछ में इन्होंने किया जो ये थे अपना ए, जस्ट मोमेंट्स वो थी ना एक तो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के चौधरी ग़ुलाम अब्बास के फॉलोअर्स ने वहाँ पे हमला किया हिंदुओं और सिखों पे उसके बाद हमला मीरपुर और मुजफ्फराबाद में हुआ है और कई हज़ार हिंदू सिख मार दिए गए हैं इसके बाद जो पाकिस्तान में जिस पे शोर मचता है वो हुआ है जब महाराजा की फ़ौज ने जम्मू के मुसलमानों पे हमले किए हैं तो अब इस नरेशन के अंदर अगर आप देखें कि पुंछ, मुजफ्फराबाद, मीरपुर तीन जगह पे जब ये हो चुका है तो फिर एक रिएक्शन के तौर पर ये अपना जम्मू में हुआ लेकिन अब मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर सारा नैरेटिव जो है वो वन साइडेड है और वो बिल्कुल झूठ पे मबनी है और आ, विद्या भाई ने बताया कि वहाँ पे सूफी ट्रेडिशंस जो थी वो बड़ी मज़बूत थी यही हमने भी सुना है लेकिन कश्मीरियों के साथ अफ़गान दौर में भी बहुत जुल्म हुआ हिंदुओं के ऊपर तो कश्मीर की सफ़रिंग की जो है ना ये हिस्ट्री ख़ासी वक्त के साथ पीछे तक चलती है और आ, मैं तो सिर्फ़ यही कह सकता हूँ कि बशानी साहब ने एक बहुत बड़ी खिदमत की है कि ये सारी चीज़ें उर्दू लैंग्वेज में आ चुकी हैं मेरी किताबों में भी इनका पूरा ज़िक्र है मैंने दो तीन जगह पे कश्मीर के इशू को डिस्कस किया है लेकिन वो क्योंकि अंग्रेज़ी में है और वो एक लिमिटेड तो इनकी डिटेल्ड स्टडी जो है वो अथॉरिटेटिव हो जाएगी तो मेरे ख़्याल से बशानी साहब की ये जो किताब है उसकी बहुत अहमियत है पाकिस्तान में क्लैरिफाई करने के लिए कि ये क्या मसाइल है और आ, देखें इसके ऊपर पाकिस्तान और इंडिया में भी अंडरस्टैंडिंग है ये जो हुआ था आ, कसूरी प्लान उसकी शिक तो यही थी कि फॉर द नेक्स्ट फिफ्टीन ट्वेंटी ईयर्स शायद इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाएगा जो लाइन ऑफ कंट्रोल है और इसको हम पोरस कर देंगे कश्मीरी आना जाना शुरू कर देंगे बस की वो हो जाएगी ट्रेड शुरू हो जाएगी और इस दौरान में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की कोशिश होगी एक्चुअली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीन्स के स्टेटस को को दोनों तरफ मान लिया जाए मैं समझता हूँ अभी भी इस चीज़ का हल जो है ना विदाउट वेजिंग अ वॉर वो लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर मान लेना है इंडिया के लिए के लिए भी और पाकिस्तान के लिए लेकिन दिस बॉर्डर शुड बिकम मीनिंगलेस, कश्मीरियों के लिए ओपन करें और फिर जिस तरह कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो हम पंजाब का भी बॉर्डर जो है वाई शुड देर बी अ बॉर्डर अनपॉसिबल बॉर्डर इन द पंजाब हाँ जी सो so कश्मीर से लेके उस मॉडल को हम पूरे हिंदुस्तान में लाएं और आने वाले वक्त में एक यूरोपियन यूनियन जैसा मॉडल बन जाए जिसमें दो मुल्क भी हों और एक रस्मी किस्म का बॉर्डर भी हो लेकिन ना बॉर्डर का वो रोल हो जो पहले ज़माने में हम करते आए हैं और दो मुल्कों का होना जो है वो सिर्फ़ एक डेकोरेटिव सिंबॉलिक मतलब रखता हो तो मैं इन दोनों दोस्तों को विद्या जी के दुख में मैं पूरा शरीक हूँ एंड आई फील डीपली अशेम्ड के ऐसे हुआ है देखें पाकिस्तान ने और ये बात बिल्कुल सही है कि प्रॉब्लम इज़ नॉट कश्मीर प्रॉब्लम इज़ द माइंड सेट क्रिएटेड बाई द टू नेशन थेरी द टू नेशन थेरी डिमनाइज डीमनाइज द अदर साइड और जब किसी आ किस किसी की आप इंसानियत छीन लेते हैं तो उसको कत्ल कर देना उसको जला देना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि उसकी तो वक़त ही कोई नहीं होती है। तो द प्रॉब्लम इज द टू नेशन थेरी अब ये कैसे पाकिस्तान के डीएनए से निकलेगी इसका कोई आ, समझ नहीं आती देखें जर्मन नारजीज और आ, जैपनीज मिलिट्रिज्म को मिलिट्री डिफीट देने के बाद दे क्रिएटेड अ न्यू ऑर्डर या तो पाकिस्तान और इंडिया की एक जंग हो और एक साइड हार जाए तो दूसरे का एजेंडा फिर पूरा होता है बट वी कॉन्ट अफोर्ड अनदर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बिकॉज बोथ साइड्स आर आर्म विद न्यूक्लियर वेपन्स सो वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन द ओनली सोल्यूशन विच विल वर्क इज अग्रींग टू द डी फैक्टो बॉर्डर विच हैज एग्जिस्टेड सिंस नाइनटीन फोर्टी एट विद स्मॉल ऑल्टरेशन आफ्टर द शिमला एग्रीमेंट सो दैट्स द ओनली थिंग आई कैन एड द टू जेंटलमैन है आपको मैं इसलिए ख़ास तौर पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये टबू है इस पर बात ही कहीं नहीं होती तो नॉट ओनली आर यू एस्टेबलिशिंग मॉडल फॉर हाउ राइटर्स कॉन्ट्रीब्यूट बट बट ऑल्सो हाउ टू ट्रांसेंड नैशनलिजम एंड एंड लुक फॉर वर्कबल सोलूशंस यही मैं कह सकता हूँ नाइनटीन फोर्टी सेवन के बाद जितनी भी जेनोसाइड की आपने जिक्र किया है वाज दिस ए रिलीजियस जेनोसाइड और पॉलिटिकल जेनोसाइड कौन बिकॉज आपने कहा कि ऑल ऑफ ए सडन जो हमारे रहने वाले थे उन्होंने ये कर दिया सो हाउ हाउ डिड दिस होल थिंग कम अपाउट थोड़ा सा मुझे बताएंगे का सवाल बहुत ही वाजिब है दिस होल एपिसोड इट्स दिस इज आउट राइटली ए रिलीजियस इशू गजवा हिंद का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इज अ पैन इस्लामिक इशू क्योंकि इसमें रिलीजन ही सब कुछ थी मुझे मारा गया बिकॉज में हिंदू था मुझे घर से निकाला गया क्योंकि मैं हिंदू था और नाइनटीन फोर्टी सेवन के बाद जो छुटपुट हुए बट मोडस ऑफर इंडी जो चौदवी शताब्दी से था वो सेम था सलीव गलीव रलिव ये हमारे साथ पिछले 600 सालों से होता आया तो आपका जो क्वेश्चन है उसका यही आंसर है कि इट्स ए रिलीजियस इशू रिलीजियस फर्वर जब होता है तो सामने वाला जो साथी होता है जिसके साथ ने बचपन गुजारा है योर ब्रेन वॉश टू तो 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 एक्सटेंट कि आपको वही बंदा हरा रंग लिए दिखता है कि अब वो काफिर हो गया है वो मेरा दोस्त नहीं है वो मेरे लिए थ्रेट है तो इसीलिए रिलीजियस अपरेटस को यूज़ किया गया कोई पॉलिटिकल अप्रैटस को यूज़ नहीं किया गया मस्जिदों की मीनारों से जो लाउड स्पीकर लगे थे उनको यूज़ किया गया हमारे घरों के ऊपर नोटिस चश्मा किए गए और हमारे पड़ोसी ने ऑलरेडी हमारी प्रॉपर्टीज़ को डिवाइड भी करना शुरू कर दिया था और जब हमारा एग्जोडस हुआ लोग निकले ये सोच के कि हम दो तीन महीने में चार महीने में छः महीने में वापस आ जाएंगे तो वी विलफ्ट विद जस्ट अ तो फ्यू और जम्मू में दिल्ली में वेट कर रहे थे कि वापस जाने का कोई बंदोबस्त होगा तो हम वापस चले जाएंगे चौंतीस साल गुजर गए इस बात को और इसके बाद जो कॉन्सेप्ट हैं यू you नो know, अब आप उनको रिलीजियस कॉन्सेप्ट कहें या आ, कोई और नाम दें जैसे एक माल गनीमत का कॉन्सेप्ट है हमारे घरों को लूटा गया ब्रिक 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 मोटार बाय मोटार लाइक टिन बाय टिन एक, -एक चीज़ निकाली गई और एक बाजार लगता था कश्मीर में बिटवीन नाइनटीन नाइनटी फाइव जिसमें इसको कहा जाता था बट मॉल बट कश्मीरी पंडितों का कहा जाता है बिकॉज हम पत्थरों के पूजे पूछते हैं तो इट इज़ ए डेरोगेटरी वर्ड कॉल बट तो हमारा जो घरों का सामान था कश्मीरी पंडित हैज बीन द प्रोपोनेंट ऑफ नॉलेज फॉर सेंचुरीज पाँच छः हज़ार साल पुरानी हमारी सभ्यता है रिकॉर्डेड हिस्ट्री है हमारा पंचांग है तो आपको हर कश्मीरी घर में किताबें मिलेंगी हमारे घर में कम से कम हज़ार किताबें थी जो मेरे दादाजी के टाइम की थी फारसी में भी कुछ लिखी हुई थी उर्दू में कुछ लिखी हुई थी तो वो सारी किताबें लिटरली रद्दी के बाहर बिक रही थी दैट वॉज द काइंड ऑफ हेटरेड दे हार्ट हमारे घरों का सामान हमारी चीज़ें सड़क पर बिक रही थी तो आज भी जिस बात का दुख है देखें गलेलियो से माफ़ी मांगी गई चर्च ने गलेलियों से माफ़ी मांगी कि धर्मांतर की, की वजह से उसको सूली में चढ़ा गया पीपल मूव ऑन दे रियलाइज देयर मिस्टेक्स बट दुख इस बात का है कि आज चौंतीस साल गुजरने के बाद भी कश्मीरी मुसलमानों में एक रिग्रेट नहीं है जनरली एक सिर्फ़ एक थ्योरी फैलाई गई कि जगमोहन ने कश्मीरी हिंदुओं को निकाला और कश्मीरी हिंदू निकल गए बेवकूफ़ की तरह जबकि ऐसा कुछ नहीं था 19 जनवरी को जो मैं हिस्टोरिकल पीस बता दूं कि 19 जनवरी को जब हमारा पलायन शुरू हुआ जगमोन वॉज नॉट इवन इन द सिटी जगमोहन 20 जनवरी को आए तो 19 जनवरी से ही पलायन अगले दिन से शुरू हो गया डेढ़ लाख लोग मैं आपको उस रात का वाक़ सुनाता हूं जुम्मे का दिन था पिक्चर चल रही थी और बाहर सड़क पे लाख डेढ़ लाख लोग देर वॉज नो एडमिनिस्ट्रेशन इन प्लेस जगमोहन हैड बेसिकली अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर और फारूक अब्दुल्ला हैड फ्लेट द वैली आफ्टर रिजाइनिंग ही एट गॉन्ट टू लंडन तो देर वॉज नो एडमिनिस्ट्रेशन इन जम्मू कश्मीर पर्टिकुलरली कश्मीर वादी में देर वॉज नो एडमिनिस्ट्रेशन ना आर्मी थी ना पुलिस थी ना एडमिनिस्ट्रेशन थी किसी को फ़ोन कर रहे थे कोई फोन नहीं उठा रहा था तो सड़कों पर मशाले लेके लाख डेढ़ लाख दो लाख लोग चल रहे थे और अगर आपको याद होगा रशिया से रशिया की जो फौज थी अफगानिस्तान से वापस जा रही थी तो इट वाज़ बेसिकली ए, ए, ए फ्रेंजी कि रशिया जैसी फोर्स को मुसलमानों ने झुका दिया तो यहाँ पे भी यही होने वाला है रूस के बंधन रू, जागो जागो सुबह हुई रूस के बंधन टूट गए जुर्म के छक्के छूट गए इस्लाम की बात कर रहे थे तो घर में मैं था मेरी माता जी थी पिताजी थे और मेरी दो बहनें थी छोटी जब ये हुआ तो हमें ऐसा लगा कि 47 का जो काला साया वो वापस आया इट्स टू बी लाइक द पार्टिशन टाइप सिचुएशन हमला होने वाला कबाइलियों का तो कश्मीर के जो घर बने हुए एटिक्स के ऊपर पहले हमने मेरी मदर और सिस्टर्स को छुपाया एटिक्स में कि अगर हमला होगा क्योंकि हमारे पास घर में कुछ हथियार नहीं थे देर वॉज नथिंग टू डिफेंड अस लिटरली एक डंडा नहीं था घर पर तो फिर पिताजी ने ये कहा आधे घंटे के बाद अगर मकान में आग लग गई तो हम उनको उतार नहीं सकते तो वी हैड ट हिट द लेडीज ऑफ द हाउस इन 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 अ कब्ड पूरी रात वो कबड्ड में छुपी रहीं और अगले दिन से माइग्रेशन स्टार्ट हो गई और जिन घरों में वल्नरेबल लड़कियां थीं गांव में वहां पे फोर्सेबल कन्वर्शनस हुए वहां पे फोर्सेबल मैरिज हुई और आज भी अगर आपको पता होगा कि कश्मीर में आज भी हिंदू कुछ रहते हैं ये वो हिंदू थे जिनके पास वसीले नहीं थे जो पलायन नहीं कर सकते थे और हम भी जब निकले हमें नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं वी हैड सम रिलेटिव इन जम्मू जहाँ पे हम रुके थोड़ी देर के लिए बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे हैड नो फोर्स दे हैड नो सपोर्ट सिस्टम मेरी एक कहानी है अनोखी रात जिसमें एक गाँव का जिक्र है वो गाँव का मैं थोड़ा सा आपको वाक्य सुनाता हूँ कि उस गाँव में मॉडर्निटी के नाम पे सिर्फ बिजली थी पहले आपको एक स्ट्रीम पार करनी होती थी लाइक यू हैव टू रिमूव योर शूज एंड चप्पल्स स्ट्रीम कार पार करनी फिर एक पहाड़ी से उतरना और चढ़ना पड़ता था फिर दूसरी पहाड़ी थी वहां के कुछ लोग मैं उस गांव में रहा हूँ मेरा एक दोस्त का गांव था उस गांव में ऐसे भी लोग थे जो शहर श्रीनगर तक नहीं गए थे और उनको सडनली आपने कश्मीर की ठंडी आबो से निकाल के जम्मू के पथरीले रेगिस्तानों में डाल दिया तो पीपल डेंट डाइ बिकॉज ऑफ बुलेट ऑनली दे डाइट बिकॉज ऑफ स्कॉर्पियन बाइट्स हीट स्ट्रोक्स फ्रस्ट्रेशन डायबिटीज इन सब चीजों से काफ़ी लोग मर गए मेरे अपने नाना जी जो बहुत एक्टिव थे नाइनटी तक विद इन फोर ईयर्स ही पास अवे तो आपका जो क्वेश्चन है आज भी जो धर्मांता की बात है देखिए जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई भी स्टेप्स लिए कश्मीरी पंडित को रिहेबलीटेट करने के लिए किसी न किसी हिंदू को मारा गया ताकि एक डेटरेंट रहे चाहे वो चिट्टी सिंहपुरा हो जहाँ पे सिखों को मारा गया चाहे वो वंदामा का हो जहाँ पे तेईस हिंदुओं को लाइन में लग के मारा गया तो इट इज़ ए रिलीजियस इशू देखें सोवियत यूनियन को वहाँ से अफ़ग़ानिस्तान निकालने के बाद मैंने उन अफसरों से सुना है कि अगर हम एक सुपर पावर को डिफीट कर सकते हैं तो हिंदुओं को तो पहले भी हमने जंगों में डिफ़ीट किया है तो कश्मीर भी हमारा मुझे पता है जुम्मे जुम्मे के दिन एटीज़ में नाइन्टीज़ में मस्जिदों में तीन वो होते थे ये पैसे डालने वाले जैश मोहम्मद लश्कर तैयबा और शायद मुजाहिदीन इस किस्म के तीन थे तो जैसे लोग जुम्मा पढ़ते थे तो साथ, साथ वो चंदा भी देते थे जिहाद के लिए तो ये सारी एक प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान के अंदर इसको कंसीव किया गया और ये कि अल्लाह हमारे साथ है जो भी जंग लड़ेंगे हम जीत जाएंगे क्योंकि हमने एक बहुत बड़ी एथिस्ट हुकूमत को हराया है हालांकि इसी हकूमत का रिश्ता एक सबसे ज़्यादा एग्रेसिव एथिस्ट रजीम जो है चाइना की उसकी गोद में पाकिस्तान बैठा हुआ है तो देर इज़ नो लॉजिक नो मॉरल नो एथिकल बैकग्राउंड बट टू नेशन थेरीज़ बेस्ड ऑन हेट्रेड ऑफ़ हिंदुज़म एंड ऑफ इंडिया और महात्मा गांधी को और पंडित नेहरू को और कांग्रेस को गालियाँ देना जो है ये एक पुरानी आदत है पाकिस्तान लीडरशिप की वो वो कंटिन्यू कर रही है तो देर इज़ नथिंग दैट कैन बी क्वेश्चन जो ये हमारे दोस्त बन आ रहे हैं ऑल दिस इज़ वेरी ट्रू सिर्फ मेरा एक सवाल है आपसे हमने ये जो तनकीद ये आ, की गई अपना कश्मीर फाइल्स पे कि सिर्फ पंडितों के ऊपर जो जुल्म हुआ है उसका जिक्र किया गया है लेकिन कई मुसलमान जो ऐसे थे और आपकी बातों से भी मुझे लगा एंड आई वुड लाइक यू टू गिव ए आई एम श्योर आर गिविंग एन ऑनेस्ट आंसर बट लेट मी अंडरलाइन दैट आई नीड टू बी सेटिसफाइड क्या सारे आपके जो नेबर्स थे वो आपके खिलाफ हो गए या ऐसे भी लोग थे क्योंकि 47 47 में जब हुआ था ये पंजाब के अंदर तो ठीक है गैंग्स आए उन्होंने हमले किए लोगों को लूटा लड़कियों को बच्चों को लेकिन ऐसे भी मुसलमान हिंदू और सिख थे जिन्होंने अपनी जान पे खेल के दूसरे लोगों को बचाया है. तो क्या आपके इर्द गिर्द मुसलमानों के अंदर सारे ही आपके खिलाफ हो गए थे या इसके भी आप एक मॉब एक, एक जब होती है मॉब जब जब होती है, जब होती है, कल्ट होता है, तो आप उसमें बह जाते हैं yes. यही कश्मीर में हुआ अब कुछ लोग जो मॉडरेट थे जो बेसिकली हमारी सिचुएशन से वाकिफ थे कि हम इनकी मदद करना चाहते थे वो उस मॉब की इन्फ्लुएंस में इतना फंस गए थे कि वो हमारी मदद नहीं कर पाए बट डिस्पाइट द फैक्ट मैं आपको एक चीज यहां पर बताता मैं तस्लीम करना चाहता हूं कि जो इंट्रेंसिक डीएनए है कश्मीरी सॉरी जो इंट्रेंसिक डीएनए है जो हमारा नेचर है बेसिकली कश्मीरी मुसलमान हो या कोई भी उस धर्म का फॉलो करने वाला हो पीसफुल है चले तो उसका मैं बिल्कुल हामी हूं आज भी हम आज भी जब भी मुसलमानों से मिलते हैं वी मीट लाइक फ्रेंड्स खलिश तो है कि उन्होंने उस टाइम हमारे लिए आवाज नहीं उठाई बट एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मुस्लिम फ्रॉम यूपी एंड अ मुस्लिम फ्रॉम कश्मीर मुस्लिम फ्रॉम यूपी इज मोर ब्रूटल विद ड्यू रेस्पेक्ट ठीक जो है जो एग्जाम्पल्स हैं हम एटलीस्ट वहां से निकल पाए दे अलाउड इसीलिए सर मैं आई वॉज नॉट डेयरिंग आई कॉल द एक्सपल्शन ऑफ द पंडित क्लेंजिंग एग्जैक्टली इट्स नॉट जेनोसाइड इन द सेंस कि उन्होंने हर बंदे को पकड़ के मार दिया लेकिन वहां से निकालने के लिए उन्होंने फोर्स इस्तेमाल की सो वॉट इज आर एंटाइटल्ड टू कॉल इट जेनोसाइड इन वन वे वन कैन आर्ग्यू दैट वे बट आई वुड कॉल इट रिलीजियस और पॉपुलेशन क्लेंजिंग टू प्योरिफाई कश्मीर ऑफ नॉन मुस्लिम्स वो भी इक्वली बैड जी बट आई गिव इट अनदर

कि वो हमें मार सकते थे हुई तो या जो भी हुआ, बट दे दे आ, इसमें एक पॉइंट है जो मैं क्लियर करना चाहूँगा जो तायर गोरा साहब ने रेज किया है कि क्या ये पॉलिटिकल था था? या था? अब है, मैं वो लेकिन कश्मीर जैसे कॉम्प्लेक्स किस्म की जो पॉलिटिकल और रिलीजियस लैंडस्केप है उसमें इस सवाल का इस तरह जवाब देना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे जब ये तहरीक शुरू हुई तो रिलीजन और पॉलिटिक्स आपस में इस बुरे तरीके से मिक्स हो गए कि आपको हर पॉलिटिकल एक्ट में रिलीजन नज़र आता था और हर रिलीजस एक्ट में पॉलिटिकल मोटिव्स जो हैं वो डर गए थे मसलन वहाँ की जो मोस्ट सेकुलर किस्म की पार्टीज़ थी उन्होंने भी जो है ये लाइन टो करनी शुरू कर दी कि जी यहाँ से अगर पंडित निकल रहे हैं तो उनका अपना कसूर है या उनको निकल जाना चाहिए या जिस तरह का उनका उससे पहले एटीट्यूड था कि पंडित इस धरती के असल वारस हैं और इनके खिलाफ किसी तरह की नफ़रत जो है ये कहते तौर पर नाकबले बर्दाश्त है उस पर उन्होंने सरेंडर कर दिया था उसकी वजह जो है उनके कोई पॉलिटिकल नज़रियात में तब्दीली नहीं आई थी या स्टैंड में बल्कि उनके ऊपर रिलीजस जो ग्रिप है वो ज़्यादा मजबूत हो गई और मिलिटेंसी चूंकि थी रिलीजियस बेस्ड टोटली तो उसका जो इतना बड़ा यानी एक शॉकिंग किस्म का इम्पैक्ट था उसकी वजह से तेजी से आम आदमी भी जो है वो उसी तरह एक्ट करना शुरू हो गया जिस तरह के जादी कुफ्ते करती हैं जिसमें बड़े बड़े सेकुलर पर्सनैलिटीज़ भी जो है वो शामिल थी तो इसको इस कॉन्टेक्ट में देखना चाहिए कि वहाँ बेशुमार लोग ऐसे थे जिन्होंने पोलिटिकली इस बात को रोकने की कोशिश की अगर आप उस वक्त के अखबार पढ़ें रेडियो दूसरी जो रेकॉड्स हैं देखें तो बहुत सारे पॉलिटिशन बाहर आए कि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन जो सिचुएशन क्रिएट हो गई थी वो उनके अख्तियार से बाहर इसलिए थी कि पॉलिटिशन का प्रॉब्लम ये है कि उसको हर वक्त जो है नज़र होती है अपने वोट पे और उसके मुंह से सारी सर आपसे माजरत के साथ वो तो मैं ख़ास किस्म के पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ <laughs> तो वो ये होता है कि उनका हमेशा ये होता है कि ऐसा नो मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जिसकी वजह से कोई मेरा वोट टूट जाए तो वहाँ पे इस तरह की जो पॉलिटिक्स ने जब ग्रिप कर ली तो लगा ऐसे कि जैसे जो है वो पॉलिटिक्स रिलीजन सारे के सारे इस तरीके से हैं जैसे कि विद्या साहब ने खुद हमें बताया कि मसन जो स्टेट का रोल था कि इन्होंने कहा कि फ़ोन कर रहे थे कोई जवाब नहीं दे रहा था सारी एक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी इससे आप अंदाज़ा लगाएँ कि इस तरह की जो चीज़ें जहाँ पर क्रिएट हो जाएँ वहाँ पर फिर ये देखना कि इसमें क्या है लेकिन वैसे फॉर द और हिस्ट्री को दुरुस्त रखने के लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ ये कहना कि उस दौर में जितने भी इकदाम वहाँ पे हुए इतने बड़े इम्पैक्ट के इकदाम उनके पीछे वायद फैक्टर जो है मिलिटेंसी थी और मिलिटेंसी के पीछे वायद फैक्टर जो है जो इस्लामिस्ट जहादिस्ट और फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस खुआ वो खुद कश्मीर के अंदर बैठी हूँ या द दार्डर हमारी तरफ बैठे हों जो आज भी बैठे हैं एक बड़ी तादाद में या अफ़गानिस्तान में बैठे हूँ या पाकिस्तान में रियल फोर्स वो थे जिनके हाथ में गन थी पैसा था और वो रियली सोसाइटी को डिकटेट कर सकते थे तो वो चूँकि रिलीजसली मोटिवेटेड थे इसलिए अगर आप ये कहें कि ये वाकया इसका डोमिनेटिंग फैक्टर रिलीजन था तो इससे भी इनकार जो है वो मुश्किल है जी इससे पहले कि मैं मीना चोपड़ा साहब का क्वेश्चन लूँ मैं एक बार फिर क्लरिफाई करना चाहता हूँ हमारे इस साउथ एशियन कैनेडियन साउथ एशियन लिटरेरी फेस्टिवल में जो कश्मीरी कॉन्क्लेव का ये सेशन चल रहा है इसमें हम बहुत खुल के बातचीत कर रहे हैं और बहुत फ्रैंक डिस्कशन कर रहे हैं इसलिए कि अगर हम कश्मीर के इशू पे जिस पे सैकड़ों बल्कि शायद हज़ारों किताबें छप चुकी हैं और ये इतना बड़ा नॉन फिक्शन का और इवन फिक्शन में इस इतना डिस्कशन आया अगर हम खुल के बातचीत ना करें तो हमारे फेस्टिवल की ये ऑनेस्टी नहीं होगी इसलिए हम खुल के बातचीत कर रहे हैं और मीना चोपड़ा जी Uh, मेरा क्वेश्चन विद्या से है विद्या जैसा आपने कहा कि uh, आप टू नेशन थ्योरी को कैसे देखते हैं क्या अगर य, ये टू नेशन थ्योरी नहीं होती तो ये इस किस्म के मुद्दे क्या देश में नहीं उठते देखिए बहुत वाजिब सवाल है आपको मीना जी टू नेशन थ्योरी अगेन इट केम फ्रॉम ये इसमें भी एक कॉन्फ्लिक्ट uh, कि ये टू नेशन थ्योरी सावरकर जी ने दी थी या किसी और ने दी थी काफ़ी लोग इसको सावरकर जी के साथ जोड़ते हैं जबकि वो सही नहीं है सर सईद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी की आगाज किया था बहुत साल पहले सावरकर जी से पहले तो वी वी नो इट अ फैक्ट आई मीन टू नेशन थ्योरी को एक बताने वाले जो हैं अंबेडकर ने भी अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर का भी स्टेटमेंट है डेट मुस्लिम्स आर अ नेशन इन इट सेल्फ वहाँ पे मतलब मिक्सर होने वाला नहीं है देहादे ओन आइडेंटिटी और हमने ये देखा हुआ है कि कश्मीर एक बहुसंख्यक था बेसिकली द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इन इंडिया और वहाँ पे हमेशा ये होता रहा कि माइनॉरिटीज़ को कभी पनपने नहीं दिया गया जिंदा नहीं रहने दिया गया तो टू नेशन थेरी की वजह से ही ये हुआ और आज भी उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं

बिकॉज ऑफ we cannot विच वी mm -hmm. so, to इलाबरेट हेयर तो ट्यूनेशन थेरी तो तेरहवीं शाब्द शताब्दी में नहीं थी जब कश्मीर में ग्यारह कर रहे थे सिकंदर बुद्धिकन के टाइम में डिस्क्रेशन ऑफ टेम्पल्स हैपन इवन दैट टाइम सबको पता है कि मार्थन टेम्पल वन ऑफ द ग्लोरियस स्ट्रक्चर इन कश्मीर और डिस्ट्रॉयड बाई सिकंदर तब तो ट्यूनेशन तो थियरी नहीं थी तो mm -hmm. अगर हम पाकिस्तान का पसमंजर भी देखें

बड़ी सेलेक्टिव होती है जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो क्लियरली जेनोसाइड है और ऑफ कोर्स कश्मीरी पंडितों की भी जेनोसाइड थी वो है बंग्लादेश की जेनोसाइड ईस्ट पाकिस्तान जो जेनोसाइड का जब भी जिक्र आएगा उसमें आएगी मैं फ़ाजिल दोस्तों का की कमेंट्स चाहूँगा कुछ वाक़ और कुछ तसनीफात पे मिसाल की तौर पर अपना ताहिर साहब ने जिक्र किया कि फिक्श नफकत ना नान फिक्शन में बल्कि फ़िक्शन में भी कश्मीर का काफ़ी वो है जैसे सलमान रुश्ती की शालीमार द्लाउन है या आगा शाहिद अली की द कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस है या वहीद मिर्जा की जो है कोलाप्रेटर्स है बल्कि वहीद मिर्जा जो है अगर हम देखते हैं तो उसका तो घर श्रीनगर में है और पिछली दफ़ा जो लॉकडाउन हुआ था इतना लंबा तो उसमें वही मिर्ज़ा खुद वहाँ जाने नहीं पा रहा था तो ये सारी चीज़ें मैं ये पूछना चाहूँगा कि दो बड़े राइटर मिलते हैं इस कश्मीर के पूरे उसमें बैकग्राउंड में एक है पंकज मिश्रा और एक है बिशारत पीर और अपना न्यूयॉर्कर में स्टीव कोल और बिशारत पीर की मुश्तरक स्टोरी छपी थी अनमार्कड कब्रों पे जो जो है उस तरफ कश्मीर में मैं दोनों को कश्मीरों को मकबूजा मानता हूँ पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर एंड इंडियन मकबूजा कश्मीर जो उस इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो कब्रें मिली थी वो अनमार्क्ड स्टोरी अनमार्क्ड कब्रें स्टीव कोल की की स्टोरी और बिशारत पीर की स्टोरी इस पर आपके कमेंट्स इवन मुझे पता है कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत सारे लोग आई एस आई ने उठा के रखे हैं वो गायब कर दिए हैं इसलिए काफ़ी हमारे दोस्त जो वहाँ के हैं आज तक पा, वहाँ पाकिस्तान नहीं जाने पाते मेरा सवाल ये है कि जो अनमार्ड कब्रों की स्टोरी थी अपना न्यूयॉर्कर में वो और फिर शुजात बुखारी को किसने मारा और अ, अ, जो वहाँ पर हैं पेल्टिंग गन से जो लोग ब्लाइंड हुए हैं तो इनके कौन ज़िम्मेवार है थैंक यू जीसन मुशतबा साहब ये आ, बात वहीं से असल में शुरू होती है जहाँ पे मैंने ख़त्म की और ये बात आपकी दुरुस्त है कि दोनों तरफ में आ, जो सिचुएशन है प्रैक्टिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल स्टेटस है आ, वो अपने अपने तौर पे हम उसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं उधर जम्मू कश्मीर कहते हैं लेकिन फैक्चुअल जो सिचुएशंस वहाँ पे हैं वो ज़ाहिर है वहाँ के लोग जो वहाँ पे रहते हैं उनको पता है और उसका वो वक्ता फ़क्ता जो है वो आज़ार करते रहते हैं ये जो हमारे राइटर्स हैं ये आप तक इसलिए पहुँचे हैं कि ये इंटरनेशनल राइटर्स हैं इंटरनेशनल मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में लिखते हैं खसन बशारत पीर का के हवाले से जो उनकी इतनी वो हुई है या दूसरे जो भी हैं लेकिन वहाँ बेशुमार इस तरह के राइटर्स हैं जो लोकल लैंग्वेजेस में लिखते रहे हैं उर्दू में पहाड़ी में जिन्होंने इस तरह के जो फ्लाइट है ए, सफरिंग है और ये जो ताशद हुआ है उसको अपने अपने तरीके से ए, पेश किया हम जैसे जो स्माल टाइम राइटर्स जिनको आप कहते हैं बल्कि स्माल टाइम भी नहीं नो टाइम राइटर्स उनका भी जो है उन्होंने उर्दू लैंग्वेज में लिखा जो दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है चूँकि उर्दू लैंग्वेज में जो एडिटर बैठा हुआ है ना वो एजेंसी के किसी बंदा उसके सामने कोई चीज़ नहीं है एजेंसी का बंदा फिर भी आपको थोड़ी मुमकुन है राय दे दे लेकिन जो एडिटर बैठा है वो जो रवैया इख्तियार करेगा तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनकी सच्चाई को तो ज़्यादा दाद देनी चाहिए तो इस हिसाब से जो ये कत्ल हुए हैं उसमें हुआ वो शिजात बहारी हो या उससे पहले लून साहब बेशुमार कश्मीरी ये वो कश्मीरी थे जो आप यूँ समझ लें कि हमारी तरह जो है वो पीस की बात करते थे या दोनों तरफ से एक डिप्लोमेटिक जो है वो स्ट्रगल के जरिए वो समझते थे, थे कि इस मसले को सेटल किया जाए या हमारे जो दोस्त पंडित हैं उनके इश्यूज़ पे वो एक वोकल किस्म के लोग थे कि इनको वापस लाया जाए इनको जो है वो रिप्लेस किया जाए ये तो बुनियादी तौर पे ये सवाल बड़ा पज़लिंग है कि उनको किसने कत्ल किया लेकिन आप इस नुक़ नज़र से देखें कि ये मिलिटेंसी कहाँ से स्टार्ट हुई और इसके पीछे कौन था तो ये पज़ल ख़ुद ब खुद सॉल्व हो जाती है कि वो वहाँ पे जो कोई भी मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ उसको इस तरीके से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया जिसमें शाद बहारी और आखिरी आखिर में वो कादरी जो है लॉयर ही वॉज़ द लेटेस्ट विक्टम तो ये सब लोग उसी सिलसिले की कड़ी हैं जो रिलीजसली मोटिवेटेड मिलीटेंट्स और एजेंसीज द बॉर्डर उनकी मिली भगत से और उनके पूरे, पूरे पूरे प्लानिंग का जो है वो शिकार हुए जिसमें आम लोगों को कोई डाउट नहीं है लेकिन इसमें जाहिर है कि ओपिनियन रखना हर आदमी का अपना राइट है आपको दो चार और लोग भी स्टोरियाँ सुनाएंगे, कोई कहेगा जी नहीं उन्होंने मार दिए कोई कहेगा इसने मार दिए लेकिन असल हकीकत जो है वो यही है जी मेरानी साहब जी मेरा एक तो ताहिर गोरा साहब ने जो बात कही कि यहाँ कश्मीर एक ऐसा एश, इशू है पाकिस्तान में तो हम सिर्फ सुनते कश्मीर डे के अलावा और कोई चीज़ वहाँ लोगों को पता नहीं है क्या होता है इंटरेस्ट बहुत कम होता है लेकिन यहाँ जिस तरह ये ओपनली डिबेट हो रही है और बात हो रही है तो बड़ा इंगेज किया और हमें भी समझने का ज़्यादा मौका मिला और पंडित साहब की बात सुन के वहाँ से जो माइग्रेशन हुई तो मुझे आ, हमने जो सिंध की स्टोरीज़ पढ़ी हैं कहानियाँ फोर्टी में जो वहाँ से माइग्रेशन हुई थी तो वो याद आ गई लेकिन एक फ़र्क ये था कि पंडित साहब ने कहा कि हम अभी उधर ही थे तो हमारे जो पड़ोसी थे वो मकान वो बांट रहे थे हमारे लेकिन वहाँ डिफरेंट था वहाँ जो मुस्लिम सिंधी थे वो जो हिंदू सिंधी थे वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे और वहाँ तो एक इश्तिया साहब इस पे बात ज़्यादा कर सकते हैं कि प्री प्लान क्योंकि वहाँ तो एवाक्यू ट्रस्ट पाकिस्तान में फ़कत सिंध में हुआ कि जो हिंदू अपनी जायदादें छोड़ेंगे वो उनका पड़ोसी भी नहीं ले पाएगा जो वहाँ के मकामी लोग हैं वो फ़क्त उनको मिलेंगी जो इंडिया से आएंगे तो एक तो ये फ़र्क था तो लोग वहाँ उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे और दूसरा सवाल मेरा आ, आ, प्रोफेसर इश्तियाक साहब से ये है कि इन्होंने जैसे कहा कि या तो जंग लगे और एक पार्टी जीत जाए तो दूसरी जो है वो मसाइल का हल आ, हो सके लेकिन वो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों ममालिक जो हैं वो एटॉमिक वेपन्स हैं दोनों के पास तो आ, मेरा सवाल प्रोफेसर साहब से ये है कि इसमें तो इसका हल क्या है और वो जो इंटरनेशनल क़तें हैं जो हमेशा हर चीज़ में अपना किरदार निभाती हैं तो उनका कोई किरदार आपको नजर आता है कि फ्यूचर में बनेगा कि पीसफुली ये रिजॉल्व हो जाए और जैसे आपने कहा कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर का स्टेटस इसको मिले और मैं समझता हूँ कि अगर और फिर आपने पंजाब की बात भी की और सिंध भी जो है वो आ, इंडिया से उसकी सरहद पार से थर से मिलती है राजस्थान से और मैंने तो पढ़ा था कि अगर फेरी सर्विस शुरू हो जाए तो कराची से बम्बे साढ़े तीन घंटे की फेरी सर्विस है तो इससे कितना इकोनॉमिकली वो, वो, वो चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव होंगी और बहुत आ, सारे मसाइल जो हैं जो तकरीबन सैंतालीस ये आ, सत्तर सालों से पचहत्तर सालों से नाजिक दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है तो वो निकल नहीं पाएगा अगर कोई पीसफुल इसका हल हो जाए क्या हल हो सकता है इंटरनेशनल इसमें जो कम्युनिटी है या वो क़वतें हैं वो किरदार क्या निभा सकती हैं इसमें देखें आ... कई सालों से अब तो एक तो किताबों में मैंने इसको आर्ग्यू किया है और जो मेरे स्टूडेंट्स ने कहा जी आप वीडियोज़ के ज़रिए पब्लिक तक भी और उससे बड़ा फ़ायदा हुआ है तो मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूँ कि कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके रोकने का तरीका जो है वो यही है कि ये दोनों मुल्क मैक्सिमलिस्ट पोजीशन को छोड़ के जो तारीख़ ने एक हकीकत बना दी है राइट एंड रॉन्ग इज़ नॉट द क्वेश्चन वो है 1948 की सीज़ फायर लाइन जिसकी थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन हुई शिमला एग्रीमेंट के दौरान इसको मान लेना मनवा लेना ही एक आ, ये डुएबल भी है क्योंकि इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता आप स्टेटस को को मान लें Uh, इसके अंदर मैं समझता हूँ कि वेस्टर्न पावर्स की भी कोई ऑपोजिशन नहीं होनी चाहिए बिकॉज न्यूक्लियर जंग जब भी इंडिया और पाकिस्तान की हुई है तो वेस्टर्न पावर्स ने आगे बढ़ के उसको रोका है ये मेडल इन ऑल ऑन रिकॉर्ड के यहाँ पे दोबारा होने लगा था ये uh, जब इन्होंने जाके इंडियन पार्लियामेंट पे हमला किया है तो देवर गोइंग टू गो टू वॉर और बिल क्लिंटन की एक मैंने कोट की अपनी किताब में कि जितने न्यूक्लियर वेपन उस ज़माने में थे इंडिया और पाकिस्तान के पास उस जमाने में पाकिस्तान की पॉपुलेशन 170 मिलियन थी और इंडिया की 1 बिलियन एंड अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन मिलियन इंडियंस वुड हैव बीन वाइप्ड आउट एंड 120 मुस्लिम 120 मिलियन पाकिस्तानीज़ वुड बी वाइप्ड आउट एट द सेम टाइम तो 50 मिलियन यहाँ रह गए 500 मिलियन इंडिया में रह गए तो ये एक बहुत बड़ा कब्रस्तान जो सदियों तक रेडियो एक्टिव फॉल आउट और इसका शिकार बनेगा सो रैशनल माइंड एक ह्यूमन कंसर्न माइंड के लिए तो जंग जो है नामुमकिन है और अगर दोनों की पुजिशंस मैक्सिमलिस्ट हैं तो उनको रियलिस्टिक बनाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही हम दोनों तरफ से इंटेलेक्चुअल्स को ओपिनियन बिल्डर्स को लॉयर्स को राइटर्स को इसके ऊपर आर्ग्यू करना चाहिए बट विद दिस प्रोविज़न कि ये बॉर्डर सिंबॉलिक होंगे मनमोहन सिंह ने कहा था कि बॉर्डर्स नॉट बी रीड्रॉन बट बॉर्डर्स कैन बी मेड मीनिंगस तो मैं समझता तो हूँ यही फ्यूचर है इस सब कॉन्टिनेंट का सो मे बी आई और आपने जो सिंध की बात की ये बहुत अच्छा आपने यू पोट इट ऑन रिकॉर्ड क्योंकि सिंधी मुसलमानों ने सिधी हिंदुओं पर हमले नहीं किए नॉट एज अज अ कम्यूनिटी ये बल्कि जो यूपी से आए थे और उनको घर चाहिए थे उनको दुकानें चाहिए थी उन्होंने ये हमले शुरू किए और उसके बाद फिर शायद दोकली भी गुंडा एलिमेंट होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाए लेकिन ये पंजाब सिंध के लोगों को आज हमें एक वी शुड ऑनर ह्यूमन ट्रेडिशंस के उन्होंने अपने ब्रदरन के ऊपर हमला ख़ुद नहीं किया तो सिंध के अंदर भी मेरे आपके कश्मीर की भी जो आप बता रहे हैं कि बेसिकली पीसफुल है कश्मीरी चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो ठीक है ना ये आप कह रहे हैं थे कहते हैं कह थे. थे? थे. कह रहे हैं थे. 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 वो थे मैं वही रहा ना तो इसको पोलिटिकली किसी ने किया है मेनिपुलेट एंड इज वे प्रॉब्लम लाइज और वो पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं ये उनकी एक्टिविटी है जो हम आप भी उसी, अरे यार वो मदरसा कल्चर दो दिन नहीं चल सकता अगर अगर यार स्टेट एंडोर्स ना करे। ऐसा ही सो ये डिस्टिंक्शन व्हाट इज पॉलिटिकल एंड व्हाट इज रिलीजियस इज मीनिंगलेस। मेरा सवाल ये है कि 71 की वॉर के बाद जब शिमला माहिदा हुआ इंदिरा गांधी और ्फ़ार अली भुट्टो में उसमें ये तय हुआ कि ये कश्मीर का मसला जो है ये हम बातचीत से हल करेंगे तो वो दिन है और आज का दिन है कितने मेरा ख्याल छब्बीस और ये आलमोस्ट फिफ्टी ईयर्स गुजर गए हैं तो ये दोनों तरफ की लीडरशिप का फेलियर है कि हम बैठे नहीं और बैठे भी मुशर्रफ दौर में बैठे जियालत भी बैठे लेकिन वो सब अंदरूनी तौर पे सब डिस्कशन होते रहे कोई चीज़ बाहर नहीं आई बहुत चीज़ें बात बाहर हैं कि हम पहुंच गए थे हम एक उस पर एग्रीमेंट पे लेकिन वो ना हो सका मेरा सवाल ये है तीनों पैनलिस्ट से कि हमें पाकिस्तान का पता है कि पाकिस्तान में वेस्टर्न इंटरेस्ट है इस्टेब्लिशमेंट का स्पेशली आर्मी का जिसकी वजह से वो कुछ होने नहीं देते अगर आज माहिदा हो जाए इंडिया से और ताल्लुक़ बराबर हो जाए तो हमें फ़ौज की ज़रूरत ही नहीं है हमारे सारे बॉर्डर सेफ़ हैं लेकिन इंडिया में क्या मसाइल हैं इंडिया में भी जो पोलिटिकल लीडरशिप है ख़ासतौर से बीजेपी की या इस तरह की जमातें जो हैं वो हिंदुज़म को यूज़ करती हैं ताकि वो वोट ले सकें और हमेशा नज़र आता है ये बाज़ दफ़ा ये भी आया है कि कुछ ये हमले उन्होंने खुद कराए और नाम दे दिया अगर पाकिस्तान पर हो ताकि वोट जब इलेक्शन का वक्त आता है तो वो उसको कैश कर सकें तो ज़रा इस पर रोशनी डाले है कि बहुत नेशनल लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया वाई नॉट दे ए विजडम कि उनके पास भी मिलियंस और बिलियंस गरीब लोग हैं हमारे पास भी हैं उनकी फ़ला बहबूद के लिए क्यों नहीं एक उस पर पहुँचते इस नतीजे कि हालात बेहतर हों कश्मीर और दूसरे मसाइल पे भी बैठ के हल करें और जी खुशी से रहेंगे आपका सवाल पहुंचा मैं जो है इनके सवाल पे बात करूंगा जो दूसरा हिस्सा है हिंदुज़म पे लेकिन बशाई साहब आप जो कहना चाह रहे थे पहले कहिए और बेशक इनके सवाल का कुछ हिस्सा भी शामिल कर लीजिए नहीं वो किदवाही साहब का जवाब तो आप ही देंगे तो बहुत ही कॉमन है लेकिन जो बात मैं कहना चाहता था बॉर्डर्स को ले कर बाडर्स को ले कर तो मैंने ये नोट किया है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के प्रोग्रेसिव लोग हैं वो बहुत बड़े कंट्राडिक्शन का शिकार हैं एक तरफ तो वो कहते हैं जी ये टू नेशन थ्योरी ने सब गज़ब डाल दिया जो नहीं डालना चाहिए था तकसीम जो है वो नहीं होनी चाहिए थी ये सारे जो मामलात हैं दूसरी तरफ जब कश्मीर की बात आती है कहते हैं तकसीम करो यानी ये इतना बड़ा कंट्राडिक्शन है कि अगर ये इस पर गौर करें और संजीदगी से करें तो मुमकिन है इनके लिए ये शॉकिंग हो और मैंने कहीं को कहते सुना जी पंजाब के बार्डर्स हटा दो आ, सिंध के बॉर्डर्स हटा दो कश्मीर की सीज फायर लाइन इसी तरह होनी चाहिए हम कश्मीरियों ने पहले दिन से स्टैंड किया कि वी डू नॉट बिलीव इन पार्टीशन एंड डिवीज़न फर्दर डिवीजन ये तो इंडिया की ऑफिशियल पॉलिसी है फ्रॉम डे वन राइट फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरू के कि ये पहले ही बॉडर्स जो बन गए ये भी बहुत ज़्यादा हैं अब हम मज़ीद किसी तरह का रद्दोबदल जो है वो करने के लिए तैयार नहीं है लेकिन ये है कि इस मसले को हल करने के लिए हम कंसिडर करने के लिए तैयार हैं अब मैं ये टाइम बहुत कम है लेकिन मैं आपकी तवज् दिलाऊँगा सादत हुसैन मिटो साहब की तरफ सादत हुसैन मिटो के जो अफसाने हैं स्पेसिफिकली जो कश्मीर की कंट्रोल लाइन के बारे में वो आप दोबारा पढ़ें ख्वाब वो टीटवाल का कुत्ता है या कोई जो आपको अफसाना उस हवाले से पसंद है आप देखेंगे कि वहाँ पे एक ह्यूमन ट्रेजेडी है कि जैसे आप और मैं बैठे हुए हैं इस तरह बीच से दरिया गुजरता है और आधे रिश्तेदार उधर बैठे हुए हैं आधे इधर बैठे हुए हैं और वो जनाब टॉप ऑफ देयर लंग्स जो है एक दूसरे से गुफ्तु कर रहे हैं स्पीकर भी लाने की इजाज़त नहीं है और ये बात पचहत्तर साल से हो रही सारी पचहत्तर कह रहा हूँ कम अज़ कम पचास साल से हो रही है तो इसका जो है आप हमें कुर्बानी का बकरा ना बनाएं कि आप जो है वो पार्टीशन तस्लीम कर लें चूंकि हमने कर ली थी आपने गलत किया था और ये तस्लीम करें कि आपने गलत किया था चूंकि उस पार्टीशन के बर्तन से जो कुछ निकला वो आपके सामने है अब प्रोफेसर साहब ने किताब लिखी है जना साहब के कैरेक्टर और उनकी जो है कंट्रीब्यूशन पे तो आप फिर किसी एक लीडर को ले आए ना जिसको आप तगमा देंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया था तो हम भी माने कश्मीरी वायद लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट किया बेसिकली आइडिया ऑफ जो पार्टीशन है और ट्रू नेशन थ्योरी है हमने कहा ये यहाँ कोई ट्रू नेशन थ्योरी नहीं है यहाँ चार पांच काम बस है बस्ती हैं शेख अब्दुल्ला वाज द ओनली पर्सन जिसने खड़े होकर कहा कि यहाँ हिंदू हैं बुद्धिस्ट हैं सिख हैं क्रिश्चियन हैं और हम मुसलमान हैं ये कोई ट्रू नेशन थ्योरी यहाँ अप्लाई नहीं हो सकती जिस पर कायद अजम मोहम्मद अली जना ने कहा कि जी ये बदतमीज़ आदमी है इसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की ये प्रोफेसर साहब को पता होगा श्रीनगर में जब कायद अजम और शेख अब्दुल्ला के दरमियान जो अब तलखी हुई हम उस पर स्टिल स्टैंड करते हैं हम बर के अमन के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं किसी सतह तक भी लेकिन ये जो आपने लोग तकसीम किए हुए हैं दरिया के आर पार ये प्रोफेसर साहब की बात बिल्कुल सही है कि बॉर्डर्स की साफ्टनस और उनकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी लेकिन आप वहीं से शुरू करें ना जो चीज़ ऑलरेडी यूजलेस हो चुकी है बार्डर सिंधी कहते हैं हमारे लिए बार्डर खोलो पंजाबी कहते हैं हमारे लिए खोलो बंगाली कहते हैं हमारे लिए खोलो हम कहते हैं हमारे लिए बंद करो तो ये तो नहीं होगा ना एक फार्मूला

देखें ये जो आप बैलेंस कर रहे हैं ना ये भी ज़्यादती है आफ्टरऑल वाजपेयी साहब आ गए थे ना लाहौर में और लाहौर अकॉर्ड भी हो गया था हाँ जी लाहौर अकॉर्ड हो गया था और उसमें ये फैसला था कि कश्मीर को भी हम इस तरीके से हल करेंगे कि सब कश्मीरी पाकिस्तान इंडिया बिन 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 सोलूशन हो तो कारगिल किसने किया नरिंदर मोदी जी आ गए थे शादी अटेंड करने के लिए पठानकोट किसने किया तो ऐसे नहीं है और आप समझते हैं कि इंडिया में रिएक्शन नहीं होगा मेरे ख्याल से हिंदुओं का बहुत बड़ा दिल है कि उन्होंने बहुत देर तक इसका कोई किया नहीं वो मैं इस मिसाल देता तो कि सबसे ज़्यादा सॉफ्ट और पोलाइट लोग वियतनाम के थे हाँ जी किसान थे बेचारे उन पे अमेरिकन ने बम मार मार के उनको ग्रेटेस्ट फाइटर बना दिया तो अगर आप हिंदू रिएक्ट कर रहे हैं तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ़ द टू नेशन थियरी एज द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वेर आई थिंक वी आर ऑल एग्रीड उस पर कोई दो राय नहीं है और उसके ऊपर फिर इन्वेस्टमेंट ही ये है कि किसी तरीके से इंडिया को डिस्टेबलाइज करना है खालिस्तान को कभी ये कर दो कभी ये कर दो और बंग्लादेश जो कि पाकिस्तान की अपनी हमाकतों की वजह से हमसे अलग हुआ है वो इंडिया पर ब्लेम कर दो तो आई थिंक इफ़ द ब्लेम इज़ टू बी अ पोर्शन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आई वुड से एट वुड बी फॉर पाकिस्तान एंड मे बी टू क्वेश्चन एबल फॉर इंडिया तो ऐसे है जी एक और बात जो कि दाई साहब कर रहे हैं हमारे पाकिस्तानी दोस्त खासतौर पर जो प्रोग्रेसिव हैं हमारे फैलोज वो बैलेंस करने के चक्कर में सम टाइम ना वो आ, कहते हैं जी कि अच्छा जी ये पॉलिटिक्स ऑफ हेट पाकिस्तान में तो है ही है हम मानते हैं मगर इंडिया में भी है मगर वो बैलेंस पॉसिबल नहीं है इसलिए कि जो अभी प्रोफेसर ने बात कही कि वो अगर स्केल की बात करते हैं तो हो सकता है वो उनकी पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए कोई वन टू टू स्केल पे चल रहा हो वो पॉलिटिकल कंजम्पशन है हमारे यहाँ तो बदकिस्मती एट टू टेन लेवल पे वो पॉलिटिक्स ऑफ हेट का जो स्केल चल रहा होता है वो इतना ख़तरनाक है वो तो विद इन पाकिस्तान अपने मसाइल हल नहीं कर सकते उन्होंने इंडिया के साथ क्या हल करने हैं मतलब जो ये कहते हैं जी कि नहीं आ, आप अपने मसाइल साढ़े नाल बैठ जो हम मिल के हल कर लेते हैं यार पहले अपने मसले मैं अगर अपने घर के मसले हल करने के काबिल नहीं हूँ तो मैं साथ वाले घर के मसले कैसे हल कर सकता हूँ ये सीधा कॉमन सेंस का मसला है क्वेश्चन असल में बहुत आ रहे हैं मैंने कहा था ये अन किस्म का मसला है इसमें जो बातचीत हम करेंगे अनएंडिंग वाली है और ये ना खत्म होगी एक क्वेश्चन गौरव शर्मा जी कल ना बहुत लंबे समय से हाथ किया हुआ उसके बाद हैरी ग्रेवाल जी का भी मैंने एक क्वेश्चन लेना है जी हम इसको क्विकली रैप अप करते हैं uh, मेरा क्वेश्चन विद्या जी से है uh, जी एंड आई लाइक ट्राई टू बी वेरी कंसाइस व्हाई हैवंट कश्मीरी हिंदूस एवर आस्क्ड फॉर इकोनॉमिक रिपेरेशंस व्हाट आर वी डूइंग टू टेक फॉरवर्ड आवर स्टोरी स्पेशली outside India. And you talked about we we never had even a danda at home कि हम self defence कर सकें. So अभी Article 370 के बाद जितनी migration अगर कुछ reverse हो रही है, तो क्या उसमें कोई community में self defence की कुछ techniques को लेकर या घरों में कुछ ऐसी conversations हैं? तो Thank you, Sharma ji. सबसे पहले तो मैं आपके last question का answer देना चाहता हूँ. जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पॉलिटिकल सेटअप की वजह से कश्मीरी हिंदुओं को कभी परमने का मौका ही नहीं दिया गया सिक्सटी ईयर्स बैक माई डैड वेंट फॉर हिज स्टडीज टू अमृतसर सिक्सटी ईयर्स बैक इवन इफ यू हैडर्स्ट डिवीजन उस जमाने में ही to नॉट अलाउड टू बेसिकली जॉइन एन इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज और had to go टू Amritsar for फॉर स्टडीज तो जो से पॉलिटिकल सेटअप ऐसा था कि हमें कमजोर रखा गया और यहाँ पे मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ काफी लोगों को शायद पता नहीं होगा कि टेररिज्म सिर्फ बंदूक से नहीं होता कल्चरल टेरिज्म होता है लैंग्वेज टेररिज्म होता है कश्मीर की जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी वो थी शारदा लिपि कश्मीरी लिपि जो थी तो जैसे बाकी सब स्टेट्स ने अपनी लैंग्वेज को रिवाइव किया कश्मीर वॉज सपोज टू रिवाइव इट्स ओल्ड हेरिटेज बैक बट शेख अब्दुल्ला अब्दुल्लाज कंसर्ट टू अ वेरी टॉल लीडर बट वॉज बिगेस्ट अपॉर्चुनिस्ट वी एवर हैड और कश्मीर का जो रॉट आज है उनकी वजह से है दैट्स हाउ हीज ग्रेवियट इज गार्डेड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस अब आप देखेंगे एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है किसी की नस्ल कुशी करने का जैसे आपने आपनेथनिक क्लिनिंग की बात करी तो मैं उसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ जिस तरह पाकिस्तान का उर्दू से कोई लेना देना नहीं था पाकिस्तान के जो पाँच प्रांत है उसमें उर्दू नहीं है उर्दू उनके ऊपर नाजिल की गई फोर्सबली इसी तरह वो उर्दू शेख अब्दुल्ला साहब ने कश्मीरी पंडितों के ऊपर हिंदुओं के ऊपर नाजिल करी और उसका रीजन आपको बिलीव नहीं होगा कि जब मैं पढ़ रहा था स्कूल में तो जितने भी गवर्नमेंट फंडेड स्कूल थे वहां पर एक अन एक रूल था कि हिंदू हिंदी पढ़ेंगे और मुसलमान उर्दू पढ़ेंगे यानी कि आप एक कल्चरल डिवाइड एक डिवाइड कर रहे हो स्टार्ट से ही तो एक पूरी पौध क्रिएट हुई बाय द टाइम आई डिड माय ट्वेल्थ मैं उर्दू से महरूम रह गया और जो मेरे साथ वाला मुसलमान था वो हिंदी से महरूम रह गया बट इसका रीजन ये था कि उन्होंने एक पूरी जनरेशन क्रिएट करी क्योंकि उर्दू बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द स्टेट फॉर द सिक्योरिटी लॉज फॉर द लैंड लॉज फॉर द अदालती जितनी भी कार्रवाई होती थी वो सारी उर्दू की रही यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब कश्मीर हिंदू को इन सब शोबों में नौकरी नहीं मिलेगी वो क्या करेगा वो अपने आप स्टेट छोड़ के चला जाएगा तो हम लोग कल्चरल टेरिज्म के शिकार रहे यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कश्मीर आउट ऑफ थर्टी टू स्टेट इज द ओनली स्टेट जहां पे हमें अपनी मादरी जबान नहीं पढ़ाई जाती वी आर नेवर गो लर्न कश्मीरी आद, you'll be surprised कि कश्मीरी लैंग्वेज इतनी प्रोफ़ाउंड है कि उसमें से दो बड़ी लैंग्वेजेस निकली हैं पाली एंड गुरुमुखी और वो कश्मीरी लैंग्वेज इज टूडे इट इज जस्ट जस्ट लिमिटेड टू राइटिंग अवर हॉर्स्कोप तो एक सीरीज ऑफ ऑन स्लॉट था हिंदुओं के ऊपर इन डिफरेंट वेज तो अगर हम 47 से 90 तक देखें तो कश्मीरी पॉपुलेशन वैसे डिवेंडल हो रही थी बिकॉज हिंदुओं के लिए कोई अपॉर्चुनिटी स्टेट में नहीं थी ए थर्ड डिविजन मुस्लिम बॉय कैन गेट इन टॉलेज फर्स्ट पोजिशन होल्डर हिंदू कैन नॉट गेट इन द मेडिकल इट वॉज वेरी सटल तो दूसरा जो डिफेंस की बात कही जा रही है देखें जब तक कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंजेस नहीं आते वी कैन नॉट गो बैक आर्टिकल 370 हट चुका है थर्टी फाइव हट चुका है बट आज की डेट में भी वैन अवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज़ एनी प्लान फॉर अस टू गो बैक दिकल किल बडी तो लाइक यू नो वो पोलिटिकली मोटिवेटेड है या इट इज बेसिकली स्ट्रिंग्स पुल्ड बाई पाकिस्तान कि यहाँ पर हिंदुओं को रहने आने नहीं देना है तो अभी जो आर्टिकल थ्री सेवेंटी हटने के बाद जो डेमोग्राफिक चेंजेस आ रही हैं धीरे धीरे आई डोंट थिंक कि मेरी लाइफ टाइम में वो पॉसिबल होगा और हमने देखा है कि जब डेमोग्राफिक चेंजेस आती हैं थिंग्स ऑटोमेटिकली चेंज ये तो एक चीज़ है दूसरी चीज़ अगर आप देखें आर्टिकल 370 हटने के बाद वादी में चेंजेस आई हैं पत्थरबाजी की घटनाएं कम हो गई हैं आतंकवाद की घटनाएं कम हो गई हैं फिर टूरिज्म बढ़ गया है जे वन पीपल आर गेनफुली एम्प्लॉयड उनके पास काम करने के लिए है एक एक पीस का माहौल है तो लोग अपने आप पत्थर छोड़ देंगे लोग अपने आप गन, गन छोड़ देंगे बट जो एक फ्रिंज एलिमेंट है बेसिकली जो हमेशा उस पॉट को हमेशा सिमर रखना चाहता है वो जब तक रहेगा तब तक कश्मीर का मसला सॉल्व नहीं होगा मैं इंटरनली ये बात बता रहा हूँ और तीसरी चीज़ ये हमारे जाने की जो राह है वो भी बहुत दूर है दिल्ली हमारे लिए यानी कश्मीर भी हमारे लिए बहुत दूर है चौंतीस साल से मैं वापस नहीं गया हूँ थर्टी फोर ईयर्स माई डैड इज़ एटी टू ईयर ओल्ड उनका एक ड्रीम है कि बिफोर ही लीव दिस वर्ल्ड ही वॉन्ट्स टू गो बैक कश्मीर में हमारे जो घर थे मतलब मैं वही बता रहा हूँ किस्टमेटिक तौर से हमारा क्लिनसिंग हुआ हमने जो घर छोड़े थे उनमें लोग आके बस बैठ गए खासकर जो बोट पीपल थे जैसे वो लोग जिनके घर नहीं थे वो आगे हमारे घरों में बैठ गए एंड दे देटिकली फॉलोड आस वेर इवेंट कि अपने घर बेच दो तो नाइनटीन में हमने अपना घर बेचा जो जेहलम के किनारे पे था तीन मंजिला मकान सिक्स बेडरूम वाला घर जो कम से कम उस टाइम पंद्रह लाख का था हमने एक लाख अस्सी में बेचना पड़ा बिकॉज दे टोल्ड के अगर नहीं बेचोगे तो अब इस बारे हम जला देंगे तो ये कहानियाँ लंबी हैं ये मसला बहुत लंबा है पचहत्तर साल से और बॉर्डर्स को चेंज करना एक ट्रस्ट लेवल ही नहीं है कुछ साल पहले जब कश्मीर में बाढ़ आई थी तो हमने एक फंड रेजर किया था यहाँ पे तो वहाँ पे एक पाकिस्तान के साइंटिस्ट मुझे मिले थे तो उनसे मैंने पूछा कि ये मसला कैसे हल होगा तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई कि एज ए साइंटिस्ट हेट इज़ एन ए नेगेटिव एनर्जी और पाकिस्तानी हुक्मरानों ने चाहे वो हुक्मरान हैं वहां के हिस्टोरियंस हैं वहां के टीचर्स हैं उन्होंने सिर्फ एक चीज पढ़ाई हेट इंडिया और आज की डेट में देखिए उसी हेट ने उन्हीं को जला के राग कर दिया व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ पाकिस्तान टुडे वो अपनी उस नफरत की आंधी में नफरत की आग में वो खुद जुलस के मर गए तो जब तक वह नफरत चेंज नहीं होगी एक नया कायद खड़ा नहीं होगा पाकिस्तान में आज की डेट में दिय नो होप इट्स ए होपलेस केस और जो बॉर्डर्स की चेंजिंग बहुत ही खूबसूरत सपना है सपना ही है कब उसकी तामील होगी आई है क्वेश्चन हैरी गरीवाल जी का मैक्सिमम सारी चीजें पूछ ली गई है मुझे एक ही चीज जाननी थी हमने सारी बातें की हमने इनसे कश्मीरी पंडितों से ये नहीं पूछा कि इनका दर्द कैसे हम हल कर सकते हैं इनके मरल जख्मे मलम कैसे लगा सकते हैं ये हमने इनसे जानना है कि हम क्या कर सकते हैं इनके लिए इनसे हमने सारी चीज़ें तो ले ली हैं अब इन्हें हम वापस कैसे दे सकते हैं ताकि ये अपने जो एब औरजनल वहाँ के हैं वहाँ जा सकें और कह सकें कि मैं वो हूँ सबसे पहले तो जो हमारी जेनोसाइड स्टोरी है उसको तस्लीम किया जाए कश्मीरी मुसलमान अगर वो मेरा ये पैगाम सुन रहे हैं वो कम से कम एक्नॉलेज करें कि दे गुड ऑफ स्टॉप तो जेनोसाइड जो इन कम्युनिटी का एक फ़र्ज होता है इस्लाम में भी एक फ़र्ज़ आयद है पड़ोसी के नाते वहाँ तो यहाँ तक कहा जाए कि अगर पड़ोस के घर में धुआँ नहीं उठ रहा तो शायद घर में खाना नहीं बनाया तो जाके पता करो कि उन्होंने खाना खाया क्या बट यहाँ तो हमारे घर जल रहे थे बट दे नेम टू बेसिकली सपोर्ट अस तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये मैसेज कश्मीरी आवाम तक मेरे भाइयों तक पहुँचे हुआ और लाइक ए फॉर अस नाउ वात को कम से कम तस्लीम करें हमारे ज़ख्मों पर एक फ़ाह लगाएँ कि नहीं गलत हुआ उस टाइम जबकि आज भी जब हम कभी मिलते हैं और जब बात होती है तो कहते हैं जगमो ने आपको निकाला दे विल नेवर एक्सेप्ट देयर फॉल्ट और तीसरी चीज़ ये है कि हमारी कहानी जो है सरकारें विदेशी सरकारें हमारी कैनेडियन सरकारें तस्लीम करें कि हिंदुओं के साथ जुल्म हुआ और देश शुड बेसिकली वी गो बैक यही मेरी इल्तिजा है सबसे और जो कश्मीर की कहानी है इसको बनाए रखे द वर्ल्ड रिमेन साइलेंट थर्टी फोर ईयर्स बैक लेट इन नॉट वी रिमेन साइलेंट फॉर अवर थैंक यू वेरी मच विदिया जी थैंक यू वेरी मच ब्रसर बाशानी थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर इश्ताक साहब लेडीज़ एंड जेंटलमैन एक बहुत ही सेंसिटिव अन एंडिंग पे हमने कोशिश की कि कंक्लूड कर सकें बातचीत को तो बहरहाल बहुत सारी काम की बातें हुई मैं ये समझता हूँ और सोलूशन इन बातों के अंदर मौजूद है अगर उस सोलूशन पे स्टेक होल्डर काम करना चाहे तो एक शुक्रिया के जाते जाते बशीर अतर साहब की जो एक मुसलमान कवि हैं उनकी एक कविता सुनाना चाहता जी। हूं जरूर जरूर बशीर साहब कहते हैं कि तुम समझते हो कि तुम्हारे अस्तित्व को मैं लील गया यानी कि तुम्हारे वजूद को मैं खा गया पर उस प्रयास में मेरा अपना अस्तित्व कहां गया ये शायद तुम्हें मालूम नहीं मैंने कल ही एक नई मोहर बनवाई और लगा दी ठोकर हर उस चीज़ पर जो तुम्हारी थी मैंने कल ही एक नई मोहर बनवाई और लगा दी ठोकर हर उस चीज़ पर जो तुम्हारी थी लेकिन ये ख्याल ही नहीं रहा कि उस कब्रिस्तान का क्या करूं जो फैलते जा रहे हैं रोज़ बरोज़ पर ये ख्याल ही नहीं रहा कि उस उन कब्रिस्तानों का क्या करूं जो फैलते जा रहे हैं रोज़ बरोज़ और कम पड़ रहे हैं हर तरफ बिखरी लाशों को समेटने में बस अब तो एक ही चिंता सताई जा रही है हर पल तुमको चिता की आग नसीब तो होगी कहीं ना कहीं बस अब एक ही चिंता सताई जा रही हर पल कि तुमको चिता की आग तो नसीब होगी कहीं ना कहीं पर मेरी कब्र का क्या होगा मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच